Hello, I am Harihum sir. Welcome all of you friends on my YouTube channel Harihum sir Chemistry Tips. देखिए हम पर डे अपने इस चैनल पर एक न्यू वीडियो लेकर आते हैं। कहीं न कहीं प्रत्येक वीडियो एक न्यू कंसेप्ट क्लियर करती है। और केमिस्ट्री हमने बताया था आपको कि हमारी जो वीडियो है उसका जो पैटर्न है चैप्टर चैप्टर टू चैप्टर ना होकर पूरी केमिस्ट्री के अराउंड को कवर करना है। और जब अराउंड कवर हो जाएगा जाहिर सी बात है केमिस्ट्री बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब तक हम आपको कन्वर्जन के विषय में बता रहे थे। देखिए अब तक जो टॉपिक चल रहा था वो कन्वर्जन था। एलिफेटिक कन्वर्जन बताया आपको, एरोमेटिक कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और मुझे काफी अच्छा लगा कि बहुत से ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसी का हमारा मनोबल बढ़ता है, हम और ज्यादा मेहनत करते हैं और आपके पास और न्यू कंसेप्ट लेकर आने का प्रयास करते हैं, जो कि आपके 12th क्लास की तो बहुत बेस्ट प्रिपरेशन कराएगी कराएगी, लेकिन साथ में हमें कंपटीशन में भी बढ़िया। तो आज मैं आपके लिए बहुत शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूं और बहुत अच्छे कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन। कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। देखिए कोई भी हमें कंपाउंड दे रहा, देख लीजिए कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं सेम एनर्जी के वन और मोर हाइब्रिड ओवरलैप टू फॉर्म न्यू टू और मोर हाइब्रिड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। बात डेफिनेशन की, डेफिनेशन तो हम बुक में याद कर लेंगे, बात आती है हमें कोई भी एग्जाम्पल दे रहा है और बहुत फास्टली हम उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल, हमें कैसे पता पड़ जाए। जैसे एग्जाम्पल इज कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। तो यही कंसेप्ट आपके लिए लाए और बहुत शॉर्ट कंसेप्ट है, सिर्फ आपको क्या रखना है याद रखना है, फिर एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे इस वीडियो के थ्रू। देखिए आपको यदि हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, आपको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या ध्यान रखें कि जो सेंट्रल एटम है, जो आपका सेंट्रल एटम है जिसका आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, उससे आप देखिए नंबर ऑफ सॉरी अटैचमेंट नंबर ऑफ एटम फर्स्ट पॉइंट याद रखिए। और नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये टू पॉइंट यदि आपकी समझ में आ गए तो कोई भी एग्जाम्पल क्यों ना हो आप बड़ा इजीली मेथड के द्वारा उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैंने बार बार आपको कह रहा हूं, यदि आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते हैं और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स लिखिए और कमेंट से भी हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और अच्छी वीडियो आपके पास लाने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने आपको टू बेसिक फंडा देख लीजिए, आप बेसिक फंडे का अटैचमेंट नंबर ऑफ एटम एंड लॉन्ग पेयर, इन दोनों की हेल्प से आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल से बड़ा अच्छा समझ में आपकी में आएगा। मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं और इसे बड़े आसानी से इजीली मेथड के थ्रू आप पता कर सकते हैं। एस एफ ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, हमें एस का यानी एस का इसमें सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन जो है कैलकुलेट करना है। तो हम क्या देखते, देखिए जो सेंट्रल एटम है उससे कितने नंबर ऑफ एटम फोर है, यानी नंबर सॉरी अटैचमेंट
अटैचमेंट नंबर ऑफ एटम इज 4। क्लियर। अब दूसरा लॉन्ग पेयर देखिए, आप जानते हैं, देखिए बेटा एक चीज ध्यान रखिए, हमने स्टार्ट में आपको पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना, सेकेंड पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को लर्न करना, थर्ड फाइंड द एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट द एटॉमिक मास, तो ये कई वीडियो रिलीज किए। वो स्टार्टिंग में हमने इसलिए किए कि अब आपको इनका इम्पोर्टेंस पता पड़ेगा, क्या इम्पोर्टेंस है इनका। देखिए आप, हमने क्या किया, अटैचमेंट चलो हमने देख लिया कि ऐसे फोर है तो भाई पता पड़ गया, पीसीएल 5, पीसीएल की 5 है पता पड़ गया, लेकिन हम लॉन्ग पेयर कैसे निकालें, लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें। इसके लिए देखिए आप, इसके लिए बहुत ही अच्छी कंसेप्ट है, एस का हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आना चाहिए। एस आपने देखा होगा, एस वाला 286 एटॉमिक नंबर 16 होता है। हमने एक वीडियो में एटॉमिक नंबर निकालना भी बताया, तो आप हमारे चैनल पे देखिए, आपको स्टार्टिंग की वीडियो में ये सब चीजें मिलेंगी। देखिए अब देखिए आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 में से 4 तो काम में आ गए भाई, 4 अटैच हो गए, इससे बचा कितने, 2 बचे। 2 का मतलब ये है कि ये 2 से 1 पेयर बनता है, लॉन पेयर कह रहे हैं, तो ये आपका 1 हो गया, यानी का मतलब 4 प्लस 1 लॉन पेयर कितना हो गया, 1, 1 लॉन पेयर मतलब पेयर में होता है, जोड़े में होता है, यानी यहाँ पर 4 काम में आ गए, बचे 2, और 2 से बन गया 1 पेयर, तो हमारे पास 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ये चीज बन गई। ठीक है, अब ये 5 का मतलब ये, अब हमें हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, तो एक बेसिक पलटा समझ लीजिए कि 2 से sp इज इक्वल टू sp, 3 s प्लस 2p इज इक्वल टू sp2, 4 s प्लस 3p इज इक्वल टू sp3, 5 s प्लस 3p प्लस d इज इक्वल टू sp3d, 6 s प्लस 3p प्लस 2d इज इक्वल टू sp3d3d2, और 7 इज द s प्लस 3p प्लस 3d इज द sp3d3। ये इसके बेस से आप बड़ा इजीली हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते, ये एक पैरा आप देख लीजिए, पैरा माइंड फिट कीजिए। इस पैरा की हेल्प से हमने बताया, देखिए दोबारा समझ लीजिए, SF4 में हमें क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, तो S से कितने इलेक्ट्रॉन अटैच हो रहे, 4, तो हमने अटैच ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर इज 4। अब S के लास्ट में जो सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, 6 में से 4 तो अटैच ही हो गए, बचे 2, 2 से 1 पेयर बनता है, तो लॉन्ग पेयर हो गया 1, तो ये 4 और ये 1, टोटल आ गया 5, तो 5 कहाँ आ रहा है, इसमें देखिए 5 इसमें आ रहा है, तो ये आपका यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3d, दैट इज क्लियर। sp3 और भी एग्जांपल लेते हैं, बस याद रखिए अटैचमेंट नंबर ऑफ एटम एंड लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास बड़ा आसानी से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट हो जाएगा, फार्मूला याद होना चाहिए और ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। तो मैं इस चार्ट को ही रख देता हूं, अगला कोई एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया एक्स, चलो इसको छोड़े एफ वाले को, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, XeO3, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया XeO3, ठीक है, हमने क्या लिया XeO3, तो XE क्या होता है, XE जीनोम है, ध्यान रखिए XE क्या है, जीनोम, और जीनोम आता है आपका जीरो ग्रुप में, और जीरो ग्रुप में जो भी एलिमेंट आता है उसके लास्ट में हीलियम को यदि छोड़ दिया जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बात समझ में आ गई, कंप्लीट उनकी जो वैलेंसी सेल होती है वो कंप्लीट फुलफिल होती है। तो आप यहां देखिए एक्स ई में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंप्लीट होते हैं। अब क्या है कि इसमें से ऑक्सीजन कितने नंबर ऑफ
जो एटम है अटैचमेंट नंबर ऑफ एटम वो आपकी होगी 3। क्लियर नजर आ रहे हैं, तो हम यहाँ कर देंगे 3+। ठीक है, सबसे पहले हम ये पॉइंट ले लेंगे कि XeO3 में नंबर ऑफ एटम जो अटैच हो रहे हैं, अटैच नंबर ऑफ एटम आप ऐसे देख रहे हैं, अटैच नंबर ऑफ एटम इज 3। क्लियर। अब आप ये देखिए, ऑक्सीजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ में आ गया। तो ऑक्सीजन क्या है, 6 है लास्ट में, ऑक्सीजन के में ऑक्टेन कंपनी करने के 2 ले गई, तो एक तो ऑक्सीजन ये ले लेगी, एक यहां से ले लेगी और एक यहां से ले लेगी, बचेगा क्या भाई 2, और 2 से बन जाता 1 पे, समझ में आ गया। इससे क्या बन जाता है, 1 पेयर, मेरी बात समझना। एक्स ई से ओ जो ऐड हो रहा है, ओ में कितने की नहीं रहते हैं, 2, तो ये पूरे पेयर को ले लेगी, एक को एक ऑक्सीजन, फिर इसके इस पेयर को दूसरी ऑक्सीजन ले लेगी, फिर इसके पेयर को तीसरी ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन ले लेगी, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 चाहिए, बात समझ में आ गई। तो इसका ये लॉन्ग पेयर, ये लॉन्ग पेयर, ये लॉन्ग पेयर, ये तो क्रॉस हो गया, बच्चा क्या आपका लॉन्ग पेयर ही, और ये लॉन्ग पेयर हो गया 1, तो अटैचमेंट हो गया 3, लॉन्ग पेयर 1 = 4, और हमारे पास हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो इनको निकालने के लिए हमें स्ट्रक्चर आनी चाहिए, बस बड़ा इजीली हो जाता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देख एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं XeOF4। अब हमसे कोई पूछता है कि इसमें आप कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इस X ये सेंट्रल, इससे एक ये और 4 ये, तो अटैचमेंट जो है, अटैचमेंट नंबर ऑफ एटम क्लियर हो गया, 4 और 1 5 हो गया। अब आपने देखा होगा कि एक्स ही जो आता है 0 ग्रुप में आता है, 0 ग्रुप में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं लास्ट में, यानी 1 2 1 2 1 2 1 2। अब क्या है देखिए, एक ओ हो रहा है, तो ये पूरा पेयर ले लिया इसने, एक ओ हो रहा है, F4 का मतलब इसमें से 4 ये ले जाएगा, 4 ये और 2 ये ले देगा, ये पूरे पेयर को लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 की नीड होती है, एफ में 1 की नीड होती है, तो 4 ले लेगा, 4 और 2 6 हो गए, बच्चे कितने 2, बात समझना। एक्स ई से यदि ओ अटैच हो रहा है तो इसे 2 की नीड है, यानी इसके 1 पेयर को पूरे को ले लेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, बच्चे कितने 6, 6 में से 4 इसने ले लिए, बच्चे कितने 2, और 2 का बन गया 1 पेयर, तो हमारे पास हो गया 5 + 1 = sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। बस ये हमें समझना, लॉन्ग पेयर का जो मैटर होता है बस ये समझवा जाए, अटैचमेंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्लियर नजर आ जाता है, लॉन्ग पेयर का मतलब फिर समझ लीजिए, मैं बार बार बता रहा हूं, लॉन्ग पेयर का मतलब होता है कि आप उस एलिमेंट में टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, जैसे एक्सी में 1 थे, एक्सी से ओ एड है और एक एफ के 4 एड है, आप जानते हैं कि ओ ऑक्सीजन के लास्ट में 6 आता है और 8 कंप्लीट होने के लिए उसे 2 की नीड होती है, तो एक्स ई से 2 तो ऑक्सीजन ले लेगा, बचेंगे कितने 6, अब एफ 4 है, 1 1 वो ले लेगा क्योंकि उसे 1 की नीड होती है, सेम होता है लास्ट में, तो 4 उसने ले लिए, 2 ऑक्सीजन ले लिए, कितने हो गए 6, बचे कितने 2 से बन गया 1 लॉन्ग पेयर, भाई पेयर नहीं जोड़ा से होता है, तो यहां से 1 हमने लिख दिया, अटैचमेंट ऑफ एटम ये हो गए टोटल एच। अब एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, कभी माइनस में हो तो क्या करें, माइनस में केस है, सपोज करो हमने दे दिया SO4-, और इसमें वो कहने लगा कि भाई आप इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, देखिए वही है, अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, क्लियर है, एस में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कितने होते हैं लास्ट में 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे 2 8 6, अब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या है माइनस के हैं, याद रखिए सेंट्रल एटम में यदि माइनस दिए हुए हैं तो ऐड कर देंगे, और प्लस होते हैं तो माइनस कर देंगे, तो 6 तो ऑलरेडी है,
टू माइनस के हो गए कितने हो गए एक, एक में से अभी फोर ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन टू लेता है, एट के टू हो गए, एट के एट भी भाई खत्म, तो लॉन्ग पेयर क्या हो गया इसमें जीरो हो गया, हमारा फोर हो गया sp3। बात समझ में आगे, देखिए पुनः इसको रिपीट कर रहा हूं माइनस वाले को, का एस में मैं लास्ट में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी टू एट से लास्ट में सिक्स होते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इनसे अगर कोई लेन देन नहीं होता, सिक्स में ये सिक्स है और टू माइनस का है तो इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा एक। अब आप ये याद रखिए एट ही हो गया और इससे कितने ऐड है ऑक्सीजन फोर, एक ऑक्सीजन को टू की नीड है तो टू की है तो फोर है तो एट की एट चले गए, इसके पास कोई लॉन्ग पेयर नहीं रहा, लेकिन अटैचमेंट फोर है लॉन्ग पेयर जीरो है तो फोर हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। तो आप देख लीजिए ये कंसेप्ट है हमारे एग्जाम्पलों की हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन क्यों ना हो ये ट्रिक केवल नंबर ऑफ अटैचमेंट नंबर ऑफ एटम प्लस लोन पेयर ऑफ एनी सेंट्रल एटम। थैंक यू, ओके, नमस्कार।